सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर अदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं EMI के क्लासेस के बारे में। व्हाट इज एन EMI? EMI इज स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का क्या मतलब होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक बताएंगे, बट मेरा जो मेन फोकस है वो है क्लासेस के बारे में बताना। सबसे पहले एक किसी भी सर्किट्स में जब हमारे पास होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक कोई सर्किट्स है, ठीक है, एक कोई सर्किट है या एक मिनट से मैं बोलता हूँ कि ये हमारे पास कोई PCB है, एक हमारे पास PCB है, ठीक है। इस PCB में होगा क्या, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस हैं, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस हैं। और बात करूँगा तो कोई हमारे पास हो सकता है पावर सप्लाई का सेक्शन हो, कोई हमारे पास RF का सेक्शन हो सकता है, ठीक है, कोई हमारे पास नॉर्मल कम्युनिकेशन का सेक्शन है, ठीक है, इस तरह के ये भी हमारे पास लेट से कि RF का सेक्शन है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कब जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जनरेट होने का जो मेजर रीज़न होता है वो है अबाउट द, ठीक, वो है अबाउट द फ्रीक्वेंसी। सो अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा जनरेट होता है PCB में। व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द हाई लेवल डिज़ाइन PCB, इट मीन्स हाई स्पीड डिज़ाइन PCB, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस ऑल द थिंग्स लाइक राइज टाइम क्या होता है ना, उसके बाद RF सिग्नल्स को किस तरह से डील करते हैं, सिंगल लेयर, डबल लेयर, मल्टी लेयर PCBs की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है बेसिक, कि लेट्स से कि हमारे पास एक ये RF सर्किट है, एक कंप्लीट PCB है। इस PCB में होगा क्या बेसिक, जो हमारे RF सेक्शन है, पावर सप्लाई है, हर एक में कुछ ना कुछ एक फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट, दैट इज अ नॉइज, नॉइज आ सकती है, या आपके पास माइक्रो कंट्रोलर है। लेट्स से कि अगर मेरे पास एक कोई माइक्रो कंट्रोलर है ना, दैट इज MCU, और इस माइक्रो कंट्रोलर से मैंने क्या कनेक्ट कर रखा है, इस माइक्रो कंट्रोलर से मैंने कनेक्ट कर रखा है एक क्रिस्टल ऑसिलेटर, और इस क्रिस्टल ऑसिलेटर में क्या होगा, बेसिक फ्रीक्वेंसी होगा, लाइक 60 MHz का फ्रीक्वेंसी हम यूज कर सकते हैं या 8 MHz का फ्रीक्वेंसी यूज कर सकते हैं। इस फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या हमें देखने के लिए मिलेगा, इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलता है, ठीक है, इसके वजह से हमें क्या देखने मिलेगा, इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलेगा। पावर सप्लाई भी होंगी, उससे भी क्या होगा, कुछ रेडिएशन जनरेट होगा। इसके लिए हम प्रॉपर ग्राउंडिंग करते हैं, शील्डिंग का यूज करते हैं ना, फिल्टर्स का यूज करते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बट उसके बारे में हम बात में बात करेंगे। ये है बेसिक हमारे पास एक सर्किट, और इसके अंदर क्या हो रहे हैं, बेसिक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्रिएट होते हैं, कि जब हम हाई स्पीड PCB डिज़ाइन में जाएंगे तो उसके बारे में भी हम बताएंगे अच्छे से आपको, ठीक है। इस सर्किट्स में क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास जो एरियाज हैं, अलग अलग क्योंकि सर्किट्स हैं, मल्टीपल सर्किट्स हम यूज़ कर रहे हैं, और उसकी फ्रीक्वेंसी के कारण क्या हो रहा है, एक दूसरे पे ओवरलैपिंग नॉइज़ जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आपके कम्युनिकेशन में सिग्नल में डिस्टर्बिंग हो रही है, और हो सकता है कि जो आप PCB डिज़ाइन कर रहे हो वो प्रॉपर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है एज पर योर रिक्वायरमेंट, वो एक अच्छा रिस्पॉन्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है आपको, ठीक है। बहुत सारे ऐसा होता है हाई स्पीड PCB डिज़ाइन में, जब हम एक नॉर्मल PCB डिज़ाइन करते हैं, डबल लेयर PCB देखते हैं, और उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, हमारे डेटा प्रॉपर नहीं मिलता है, वोल्टेज का इशू आता है, लो वोल्टेज कहीं पे इशू मिलता है, कहीं पे सिग्नल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं पे अगर मैं GSM यूज़ कर रहा हूँ तो GSM में प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसको वो सब चीज़ों को दूर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स हैं, वो हम आगे चल के बात करेंगे। आज के वीडियो में जो हम बात करेंगे बेसिक, वो है हमारा, दैट इज़ द क्लासेस ऑफ EMI। सो EMI की क्लासेस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम जो बात करेंगे, दैट इज़ क्लासेस ऑफ EMI, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो इसमें क्लासेस के बारे में बात करेंगे, तो हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक हमारे पास इस क्लास होता है जिसे हम बोलते हैं, दैट इज इंटर क्लासेस ऑफ EMI। इंटर क्लासेस का मतलब क्या होता है कि सम सिग्नल्स दैट कम फ्रॉम द अनदर सर्किट, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ तो लेट्स से कि ये हमारे पास कोई सर्किट वन है, ठीक है, ये हमारे पास सर्किट वन है, एक कोई और सर्किट है हमारा, ठीक है, एक और सर्किट है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट RF ब्लॉक्स हैं। बेसिक जो हम बात करेंगे ये सारी चीज़ अब जो आएंगी हाई स्पीड PCB डिज़ाइनिंग में, तो हाई स्पीड PCB डिज़ाइनिंग में जो मेन कंसर्न होता है हमें डिज़ाइन करना, वो होता है RF। RF पे हमें ज़्यादा काम करना होता है, दैट इज मीन्स व्हाट, दैट इज़ अ रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अलग अलग RF के ब्लॉक हैं, ठीक है, ये सब RF के ब्लॉक हैं। तो जब हम बात करेंगे इंटर क्लासेस के बारे में, तो इंटर क्लासेस में क्या होगा, ये भी हमारे सर्किट में RF ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और ये कंप्लीट एक PCB के अंदर है, ठीक है, ये कंप्लीट क्या हमारा एक PCB के अंदर है, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है RF ब्लॉक है। अब होगा क्या बेसिक, कि इस सिग्नल से इस सर्किट्स में क्या डिस्टर्बेंस आ रही है, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं लेट्स से अगर मैं GSM का कोई मॉड्यूल बनाया हूँ एक, ठीक है, और ये अनदर जो है हमारा, ये मैं बोलता हूँ दैट इज़ अवर वाईफाई, ये हमारा वाईफाई का है, दोनों में फ्रीक्वेंसी के डिफरेंसेस होंगी, काफ़ी अंतर प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलेगी बेसिक, सिग्नल्स में डिफरेंस हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंसेस है। जब हम प्रॉपर इसकी रिकवरी नहीं करते हैं तो होगा क्या, इसमें से सिग्नल्स इसमें आएंगे, तो जब दूसरे सर्किट से सिग्नल एक सर्किट्स में आ रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं दैट इज़ इंटर क्लासेस ऑफ EMI। एक और हमारा आता है उसे हम बोलते हैं दैट इज़ द इंट्रा क्लासेस। एक और है हमारे पास, वो है क्या, इंट्रा क्लासेस। तो जब हम इंट्रा क्लासेस की बात करेंगे ऑफ EMI, ठीक है, तो इंट्रा क्लासेस में हमें क्या देखने के लिए मिलेगा वो भी बात कर,
अब बात करूंगा इंट्रा। इंट्रा का मतलब क्या होता है, एक सर्किट है उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आरएफ ब्लॉक्स हैं और उस आरएफ ब्लॉक्स की वजह से हमें क्या देखने के लिए मिलता है, नॉइज़ देखने के लिए मिलता है, उसे हम किस तरह से दूर करेंगे। तो बेसिक जो एक सर्किट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आरएफ ब्लॉक्स होते हैं उस आरएफ ब्लॉक्स की वजह से जो हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है उसे हम बोलते हैं इंट्रा क्लासेस ऑफ एन ईएमआई। सो लेट्स से कि हमारे पास क्या है, एक ये सर्किट्स है, ठीक है, दिस इज आवर सर्किट। ये क्या है, हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में क्या है, हमारे पास डिफरेंट आरएफ ब्लॉक हैं, ठीक है, डिफरेंट क्या है हमारे पास आरएफ के ब्लॉक्स हैं। मतलब आरएफ ब्लॉक्स का बेसिक मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, यहाँ पे हम आरएफ सिग्नल्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को यूज़ कर रहे हैं। होगा अब क्या, जो हमें देखने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम मिलेगी बेसिक, वो प्रॉब्लम ये होगी कि इसी सर्किट में इसी आरएफ की वजह से ये आरएफ डिस्टर्ब हो रहा है, इसी की वजह से ये डिस्टर्ब हो रहा है, इसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपस में ये क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। इसे हम बोलते हैं बेसिक द इंट्रा, है ना, इंट्रा क्लासेस ऑफ एन ईएमआई, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास हैं, दो तरह के क्लासेस होते हैं, इंटर क्लासेस एंड इंट्रा क्लासेस। इंटर क्लासेस का मतलब क्या होता है, दूसरी सर्किट में जो आरएफ सिग्नल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमें एक दूसरे सर्किट्स में क्या हो रहा है, ओवरलैप कर रहा है, उसकी वजह से हमें सर्किट्स प्रॉब्लम हो रही है। इसकी वजह से मेन प्रॉब्लम क्या देखने मिलेगा, जो हमारा आउटपुट रिजल्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आएंगी। दूसरा मैंने बताया आपको इंट्रा, इंट्रा में क्या हो रहा है बेसिक, तो इंट्रा में जो बेसिक होता है कि एक सर्किट से उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आरएफ के ब्लॉक्स हैं, मतलब आरएफ सेक्शंस बने हुए, और उन सेक्शंस की वजह से क्या हो रहा है, हमें आपस में जो भी और भी हमारे पास जो आरएफ सर्किट्स हैं उसमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। इसे ही हम बोलते हैं, इसमें इंटरफेरेंस का यही हो रहा है कि दूसरे सर्किट का जो सिग्नल्स है, नॉइज़ है, वो हमें अपने सिग्नल्स में देखने के लिए मिल रहा है, एक और सर्किट्स में देखने के लिए मिल रहा है। ये बेसिक डिफरेंस होता है, दैट इज़ द क्लासेस, इंटर क्लासेस एंड इंट्रा क्लासेस। आगे की वीडियो में बात करूंगा इसको किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड है, लाइक ग्राउंडिंग है, शेडिंग है आपके पास, है ना, फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर गिविंग अप दिस टाइम, थैंक यू वेरी मच।